बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज़ स्टैटिस्टिक्स। दिस इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशंस को कि स्टैटिस्टिक्स बेसिकली क्या होती है। तो स्टैटिस्टिक्स इज़ डिफाइंड एज अ साइंस विच डील्स विद द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड डेटा एंड ड्राइंग कंक्लूजन्स बाय अप्लाइंग साइंटिफिक मेथड्स। स्टैटिस्टिक्स बेसिकली क्या होती है? स्टैटिस्टिक्स किसी भी डेटा की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है, ठीक है, और किसी भी डेटा के जो रिजल्ट्स आते हैं उनकी कंक्लूजन्स को ड्रा करती है बाय यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। स्टैटिस्टिक्स की टू टाइप्स होती हैं, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, इनको हम डिस्कस बाद में करेंगे। तो दो टाइप्स हैं। सबसे पहले होती है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। सेकेंड होती है डिस्क्रिप्टिव। स्टैटिस्टिक्स तो ये दो इसकी टाइप्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। क्या होती है फ्रीक्वेंसी? द नंबर ऑफ आइटम्स, द नंबर ऑफ टाइम्स अ थिंग अकर इन अ डेफिनेट पीरियड और इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको इन सिंपल वर्ड्स में अगर आपको बताऊं, द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स इन अ क्लास, ठीक है, किसी भी क्लास में जितने नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं। इसको फर्दर हम जब एग्जांपल सॉल्व करेंगे आगे तो इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगा कि फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या होती है। नेक्स्ट जो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? किसी भी डेटा को हमने ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में लिखना होता है। तो बाय यूजिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द डेटा इनटू क्लासेस आर ग्रुप्स एंड देन डिटरमाइनिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, ये आपको रेंडमली एक डेटा गिवन होगा, इस डेटा को आपने एक ग्रुप की फॉर्म में लाना होगा, ठीक है। इस डेटा को जब आप ग्रुप की फॉर्म में लाते हैं तो ग्रुप्स जब बनते हैं आपने उनको क्लासेस का नाम देना है, ठीक है। डेटा को जो आप ग्रुप्स की फॉर्म में कर रहे हैं बेसिकली आप क्या बना रहे हैं? क्लासेस बना रहे हैं जो कि ग्रुप्स बनेंगे, फिर आपने उन क्लासेस की हेल्प से क्या निकालनी होगी? फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करनी होगी, ठीक। तो अब ये फ्रीक्वेंसी कैसे डिटरमाइन करेंगे और ये क्लासेस कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए मैं आपको तीन स्टेप बताऊँगा। फर्स्ट स्टेप जो है आपको इसमें रेंज फाइंड करनी होती है, ठीक है। रेंज क्या होती है? रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, ठीक है। रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन एक्स एम इज द मैक्सिमम वैल्यू माइनस एक्स नॉट इज द मिनिमम वैल्यू। तो जब आप रेंज सबसे पहले निकालेंगे, जिसको इन शॉर्ट हम आर लिख सकते हैं, तो इसमें आपने इस पूरे डेटा में सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या दी हुई है हमें। अगर मैक्सिमम वैल्यू की मैं अगर बात करूं, इस डेटा में आप फाइंड करेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो यहां पर 204 इज द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपने क्या करना होगा, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस पूरे डेटा में अगर हम मिनिमम वैल्यू की बात करें तो जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू है वो है 68। सबसे पहला काम आपने यह करना होगा, इस गिवन डेटा में जो भी आपको नंबर्स दिए होंगे, जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशंस आपको गिवन होगी, उसमें आपने दो वैल्यूज़ फाइंड करनी है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पर एक्स एम मैक्सिमम वैल्यू हमने क्या फाइंड की, विच इज़ 204 माइनस मिनिमम वैल्यू इज 68। तो इट मीन्स आपके पास रेंज क्या आ जाएगा, तो इसको अगर हम माइनस करें तो ये आई थिंक 136 आपके पास आ जाएगा, ये रेंज है, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या होता है, फाइंड नंबर ऑफ क्लासेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने ये जो डेटा दिया हुआ है आपने इसको अरेंज करना है, कितनी क्लासेस आपने बनानी है। तो उसके लिए हम यहां पर फार्मूला यूज करते हैं, के इज इक्वल टू 1+3.3 log n। अब ये n क्या है? n बेसिकली ये जो आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिए हुए, ये जो जितने नंबर्स दिए हुए उनकी टोटल
तादाद को रिप्रेजेंट करें, 60 इज कैपिटल एन। तो यहाँ पर आप पुट करेंगे, आपको ये पता चल जाएगा कि आपने टोटल क्लासेस कितनी लेनी है। तो यहाँ पर से मैं के अगर निकालूँ, के इज इक्वल टू 1+3.3 मल्टीप्लाई बाय लॉग 60। तो इसको अगर हम सोल्व करें तो ये हमारे पास बनता है 6.78। तो अब हम जब क्लासेस लेते हैं, आपने इसको राउंड ऑफ कर लेना है, तो के इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 7। तो इट मीन्स आपने टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितनी बनानी है, 7 क्लासेस बनानी है। थर्ड स्टेप आपने क्या करना होता है, क्लास इंटरवल फाइंड करना होता है, क्लास इंटरवल, या इसको हम क्लास विड्थ भी बोलते हैं। इसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये हम कैसे फाइंड करते हैं, बेसिकली आपने रेंज फाइंड की हुई है, तो क्लास इंटरवल आप फाइंड करते हैं रेंज ओवर नंबर ऑफ क्लासेस, ठीक है, R ओवर K। R आपने निकाला हुआ है 1, 3, 6, डिवाइडेड बाय K आपने निकाला हुआ है 7। तो यहाँ पे आपके पास क्लास इंटरवल H क्या आ जाएगा, जब आप इसको इस 7 पर डिवाइड करते हैं तो ये 19.38 समथिंग बनता है। इसको भी हम राउंड ऑफ करें तो ये आपके पास 20 के इक्वल आ जाता है, ये आपके पास H है। तो ये तीन स्टेप थे जो आप किसी भी डेटा को अगर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप में बनाना चाहते हैं तो उसके लिए तीन स्टेप आपको याद रखने पड़ेंगे। फर्स्ट स्टेप इज रेंज। रेंज क्या होती है, आपने इस पूरे गिवन डेटा में दो वैल्यूज फाइंड करनी है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। तो इस पूरे डेटा में मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास थी 204 और मिनिमम वैल्यू मेरे पास क्या थी 68। तो हमने इसमें पुट कर दी मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो ये आपके पास रेंज आ गई। सेकंड स्टेप आपने फाइंड करना होता है कि इस पूरे डेटा को आपने कितनी क्लासेस में अरेंज करना है, तो वो क्लासेस नंबर ऑफ क्लासेस फाइंड करने के लिए ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं, के इज इक्वल टू 1+3.3 लॉग एन, ठीक है। अब ये कैपिटल एन क्या है, ये जितने नंबर्स आपको कितने दिए हुए हैं, ये बेसिकली 60 नंबर्स दिए हुए हैं आपको। तो यहाँ पर आप पुट करेंगे, लॉग 60 फाइंड करेंगे, उसको 3.3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 6.78, और इसको आप राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है, क्योंकि पॉइंट्स में आप क्लासेज नहीं ले सकते। तो राउंड ऑफ करने के बाद आपको के क्या मिला, 7 मिला, ठीक है। थर्ड स्टेप आप क्या करते हैं, क्लास इंटरवल फाइंड करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने ये जो क्लासेस बनानी होती है, फॉर एग्जांपल मैं अगर लिखता हूँ ना 2 to 4, ये एक क्लास है मेरे पास, ठीक है। अब ये 2 से 4 के बिटवीन गैप कितना है, ठीक है, ये बेसिकली क्लास इंटरवल होता है, या इसको हम क्लास विड्थ बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने कैसे फाइंड किया, आर ओवर के हमने लिया। तो आर ओवर के जब आपने किया तो 136/7, तो ये आपके पास आया 19.38। तो इट मीन्स एच आपको क्या मिला, 20। तो इसका मतलब जो आप क्लासेस बनाते हैं उनके बिटवीन जो गैप रखना है, क्लास विड्थ साइज रखना है, वो आपके पास 20 होना चाहिए, ठीक है। अब हम इसको प्रॉपर इसकी क्लासेस बनाते हैं। क्लासेस की हेल्प से, जैसा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा, हमने जो ये अरेंजमेंट्स जो हमें गिवन है, हमने इसमें सबसे पहले ग्रुप्स की फॉर्म को क्लासेस में कन्वर्ट करना है। क्लासेस में कन्वर्ट करने के बाद हमने फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करनी होती है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली आपके पास जो क्लासेस बनेगी उस क्लास में टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने होंगे, डेटा पॉइंट्स कितने होंगे। स्टॉप करो। तो नेक्स्ट हम क्या बात कर रहे हैं, हमने इसको ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अरेंज करना है, तो उसके लिए हमें क्लासेस बनानी होंगी और इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होगी। तो क्लासेस अब देखें, हमारे पास जो इसकी मिनिमम वैल्यू थी वो 68 थी और मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, 204। तो जब आप क्लासेस बनाते हैं आप मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट लेते हैं और मैक्सिमम वैल्यू पर स्टॉप कर रहे हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास 204 है, अगर मैं 68 से इसको स्टार्टअप लेता हूं यहां पर इसका, तो मेरे पास जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 204 वो एंड पे नहीं आएगी। इसके लिए मैं अपनी आसानी के लिए क्या करता हूं, जो स्टार्ट इसका स्टार्टअप लेता हूं मैं 65 से लेता हूं, 65 to 84। अब जो हमने वहाँ पे क्लास इंटरवल फाइंड किया था वो हमारे पास क्या था, 20 था। तो इसका वो यहाँ पर बेसिकली ये क्लासेस आप बना रहे हैं, इसी तरह नेक्स्ट आप बनाएंगे 85 to 104। 85 में 20 ऐड करेंगे 104 आएगा, फिर इस तरह ये 104 है तो यहाँ पर 105 से ये स्टार्टअप होगा और इस तरह ये 124 होगा। नेक्स्ट इसी तरह 125, 144, इसी तरह 145, 164,
16518418524, ये आपके पास क्लासेस बन गए। अगर आप नोट करें ये मैक्सिमम वैल्यू पे स्टॉप कर रहा है, इस वजह से यहां पर मैंने इसको स्टार्टअप 68 पर लेने की बजाय मैंने कहां से लिया, 65 से लिया। ये आपके पास क्लासेस अगर आप काउंट करें तो ये 1 2 3 4 5 6 7, हमने नंबर ऑफ क्लासेस वहां पर फाइंड की थी, हमारे पास क्या आई थी, k इज इक्वल टू 7, तो ये हमारे पास 7 क्लासेस बन गई हैं। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन यहां पर मैंने लिखी थी, द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स इन अ क्लास इंटरवल, इस क्लास इंटरवल में जितने नंबर्स आएंगे, इस नंबर को भी आपने इंक्लूड करना है और इसके बिटवीन जितने नंबर्स आएंगे इस गिवन डेटा में से आपने देखने हैं। अब 65 और 84 के बिटवीन आपने इसमें से फाइंड करने के कितने नंबर्स आते हैं, तो वो आप लोग यहाँ पर डेटा में से देखेंगे, मैं पहले देख लेता हूँ, 1 2 इसके बिटवीन आने चाहिए 65 और 84 में, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आपके पास टोटल फ्रीक्वेंसी में कितने नंबर्स आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं। अब ये 9 नंबर्स आपने इस गिवन डेटा में से फाइंड करने होंगे, इसमें से आपने उनको ढूंढ कर यहाँ पर बताना होगा कि फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या है। ये क्लासेस क्लास थी आपके पास 65 टू 84। अब ये क्लास, अब जो फ्रीक्वेंसी होती है इस क्लास के बिटवीन जो नंबर्स होते हैं वो होती है आपके पास फ्रीक्वेंसी, इन नंबर्स को भी इंक्लूड करना है। जैसे यहाँ पर 84 आया था मैंने उसको भी काउंट किया था, अगर 65 होता तो आप उसको भी काउंट करते। अब इसके बिटवीन नंबर्स टोटल कितने आ रहे हैं, 9, तो वो आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी। इसी तरह 85 से 104 के बिटवीन आपने इन्हीं में नंबर्स देखने होंगे कि वो कितने आ रहे हैं, तो वो हमारे पास होते हैं 10, ठीक है, ये आप लोगों ने इसमें से फाइंड करने होंगे। नेक्स्ट 105 से 124, तो ये इस क्लास के बिटवीन जो नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स आते हैं मेरे पास वो 17 आते हैं। जैसे ये मैंने 9 फाइंड किए थे ना नंबर्स, वैसे ही आपने 10 इसमें से फाइंड करने होंगे, 17 भी इसमें से। कैसे फाइंड करने होंगे, वो इस इंटरवल के बिटवीन आते हों, मीन्स के या 104 से स्टार्ट अप लें और कहां पर स्टॉप करें, 124 पर। नेक्स्ट हमारे पास है 125 to 144, अब इस इंटरवल में आपके पास फिर 10 आ जाते हैं। इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 10, मीन्स के इस इंटरवल में टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं आपके पास, 10 है। नेक्स्ट 145 to 164, अब इस क्लास में आपके पास नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने आएंगे, 5, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपके पास नंबर ऑफ पॉइंट्स आते हैं 4, एंड लास्ट में आपके पास अगेन 5 आ जाते हैं। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे पास ये जो टोटल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो हमें वेट्स दिए हुए थे, टोटल एप्पल्स दिए हुए थे, वो 60 दिए हुए थे। जो आप जब आप फ्रीक्वेंसी निकालते हैं उस क्लासेस में, इसको जब आप सम अप करेंगे तो ये भी आपके पास 60 बननी चाहिए। 9, 10, 19 और 17 आपके पास ये बनता है 36, 46, 51 और 4, 55 एंड 5, 60, तो ये आपके पास सम ऑफ दी फ्रीक्वेंसी कहलाएगा, ठीक है। ये चीज़ ये शो करती है कि इसका मतलब यह है कि ये जो आपने फ्रीक्वेंसीज निकाली हुई ये ठीक निकाली हुई है, क्योंकि आपके पास टोटल एप्पल्स कितने थे, 60 थे, तो फ्रीक्वेंसीज का सम भी कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। इसका मतलब ये आपने वो नंबर्स देखे हैं जो इस पूरे डेटा में गिवन थे, ठीक है। तो ये आपका ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन चुका है। इसमें एक और चीज़ का मैं एडिशन कर देता हूँ, वहाँ यहाँ पर आपसे वो पूछता है कि आप टैली मार्क भी करें। टैली मार्क क्या होता है, अगर लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर है तो उसको मैं सिंगल बार से रिप्रेजेंट करूँगा, वर्टिकल बार से, ठीक है। अगर मेरे पास दो नंबर्स हैं तो मैं उसको इस तरह दो वर्टिकल बार से रिप्रेजेंट करूँगा, 3 हैं तो उसको 3 वर्टिकल बार से रिप्रेजेंट करूंगा, 4 हैं तो उसको 4 वर्टिकल बार से रिप्रेजेंट करूंगा। अब अगर आ जाए 5, फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या हो, 5 हो, तो उसको आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है, 1 2 3 4 और यहाँ पे आपने यू लाइन लगा देनी,
तो ये शो करेगा कि आपके पास ये बेसिकली टेली मार्क्स होता है, तो इसमें आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 है। अब यहाँ पर मेरे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है, 9। इसको आपने शो करवाना है टेली मार्क्स में, तो आप कैसे शो करवाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्लियर। अब इसी तरह 10 को आपने शो करवाना है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये आपके पास 10 हो गया। नेक्स्ट 17 है, इसको भी आप कैसे शो करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। ये 15 हो गया, और ये आप 2 सा लगा देंगे, 17। ठीक है, इसी तरह 10 सेम एज इट इज़, 5, 1, 2, 3, 4, 5। अब नेक्स्ट 4 है, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट 5 है, 1, 2, 3, 4, 5। तो दिस इज़ दी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेट ऑफ 60 एप्पल्स। तो ये हमारे पास कंप्लीट हुआ जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आज हमने क्या पढ़ा, स्टेटिस्टिक्स को हमने डिफाइन किया कि क्या होती है, साथ उसकी हमने दो टाइप्स का जिक्र किया, वो आपके पास इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक्स होती है और एक डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक होती है। इनकी डेफिनेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और फिर हमने फ्रीक्वेंसी को पढ़ा, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बेसिकली नंबर ऑफ क्लासेस, ये बेसिकली क्लासेस हैं, एक क्लास में कितने नंबर्स आ रहे हैं, एक क्लास में कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स आ रहे हैं। अब वो नंबर ऑफ पॉइंट्स कहाँ से होंगे, ये जो आपको गिवन डेटा होगा, ठीक है, वो आपकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। नेक्स्ट इसमें हमने टेली मार्क्स को डिस्कस किया। टेली मार्क्स क्या होता है, जैसे 1 को आपने एक वर्टिकल बार से रिप्रेजेंट करना है, 2 है तो उसको 2 वर्टिकल बार से रिप्रेजेंट करना है, 3 है तो उसको 3 वर्टिकल बार से रिप्रेजेंट करना है, 4 है उसको 4 वर्टिकल बार से आप रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अगर 5 आ जाता है तो आपने 4 वर्टिकल बार लगाने के बाद उसको यूं क्रॉस कर देना है, तो ये आपके पास क्या होता है, टेली मार्क्स होता है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे, मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, चैप्टर 3 है हमारी बुक का, तो उसका थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि वो हमारे पास क्या होगा। चैप्टर 3 ऑफ आवर बुक, ये चैप्टर 3 है हमारी बुक का, मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, या इसको इन शॉर्ट एवरेजेस भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने एवरेज को डिस्कस करना है बेसिकली। इसका कंप्लीट ओवरव्यू इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली इस चैप्टर में हमने डिस्कस क्या करना होगा, हमने एवरेज की 5 टाइप्स को डिस्कस करना होगा। टाइप्स ऑफ एवरेज, ठीक है। अब फर्स्ट टाइप उसमें कौन सी होती है, अरिथमेटिक मीन, सेकंड टाइप ज्योमेट्रिक मीन, थर्ड टाइप हमारे पास होती है हार्मोनिक मीन, फोर में आपके पास होता है जी मीडियन, एंड लास्ट टाइप है मॉड। ये चैप्टर 3 में हमने डिस्कस करने हैं, अरिथमेटिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, हार्मोनिक मीन क्या होता है, मीडियन एंड मॉड। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमने इस अरिथमेटिक मीन को डिस्कस करना होगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस लेक्चर को सबसे पहले सुनना है, ठीक है, उसके बाद आप अगर हो सके तो आप इसको रजिस्टर पर साथ साथ नोट करें, ठीक है। जब आप इसको रजिस्टर पर नोट करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड होना स्टार्ट हो जाएगा लेक्चर। फिर अगर आपको कोई मसला होता है तो आप मुझसे डिस्कस करें, ठीक है, आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह हम इसको जूम ऐप पर भी डिस्कस करेंगे लेक्चर्स को।